तो चलिए देखते हैं दो और वेरिएशन। नंबर थ्री पर है वेरिएशन इन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ड्यू टू शेप, अर्थ का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग भी वेरिएशन पॉसिबल हैं। देखते हैं कौन से। देखिए वेरिएशन जी में ड्यू टू शेप, क्योंकि अर्थ जो है पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, एंड्स पर ठीक है इक्वेटर पोजीशन पर थोड़ी सी ये फ्लैटेंड है, एक्स जैसी शेप है ऐसी दिखाई देती है, कुछ इलिप्स जैसी है, इलिप्टिकल शेप है ऐसी है। ऐसे अंडे जैसी शेप है ठीक है। तो इसमें इधर होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ये है पोल रेडियस डायमीटर, पोल का डायमीटर, और ये है इक्वेटर के लिए। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा गैप आपको नज़र आ रहा है, मेजर माइनर में थोड़ा ही होता है। देखिए ये बड़ी वाली रेडियस है, ये छोटी रेडियस है। इक्वेटर लोकेशन वाली रेडियस बड़ी होती है, डायमीटर बड़ा होता है, ये इक्वेटर पोजीशन है और ये है पोल पोजीशन। तो मेजर रेडियस है इक्वेटर पोजीशन के लिए, आर ई कैपिटल ई फॉर इक्वेटर, और ये वाली रेडियस है पोल के लिए। क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पर आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। काफ़ी बड़ा वेरिएशन आपको नज़र आ रहा है, इतना बड़ा नहीं होता, नॉर्मल वेरिएशन होता है। लेकिन इसकी वजह से भी अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो चेंज होती है। देखिए कैसे चेंज होती है, बिल्कुल सिंपल है। अब की बार ऑब्जेक्ट को ना हमें हाइट में भेजना है ना हमें डेप्थ में भेजना है, रहेगा सरफेस के ऊपर ही, लेकिन अब सरफेस की लोकेशन एक बार नॉर्थ पे जाना है, सॉरी पोल पोजिशन में जाना है, और एक बार इसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास एम है उसे यहाँ रख लेना है और चेक करना है। क्या चेक करना है कि वेरिएशन इन जी। तो दोनों ही केस में क्या है कि अर्थ सरफेस के ऊपर है, तो वी नो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अर्थ सरफेस। तो दोनों केसेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये रहा G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ये इसमें हम जाएंगे तो ये फॉर्मूला अर्थ सरफेस के लिए जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो हम लगाएंगे G, और हम यहाँ पर एक सिंबल दे देंगे कि सरफेस पे तो है लेकिन इक्वेटर पोजीशन पर है, फॉर इक्वेटर पोजीशन। इक्वेटर पोजीशन में आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई बाई आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, और उसे हमने इक्वेटर के लिए नाम दिया है इक्वेटर स्क्वायर। यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, रेडियस ऑफ अर्थ पोल पोजीशन के लिए कैपिटल पी एंड रेडियस ऑफ अर्थ फॉर इक्वेटर पोजीशन। आप आर ई आर पी भी करके लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर स्क्वायर। नाउ फॉर पोल पोजीशन, पोल पोजीशन में जब जाएंगे तो यहाँ पर भी जी के लिए इक्वेटर, इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगी जी, मास ऑफ अर्थ यहाँ भी पूरा है और रेडियस ऑफ अर्थ लेकिन पोल पर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। किसी भी इक्वेशन से किसी को भी डिवाइड करेंगे, आई एम डूइंग 1/2 हियर, तो 1/2 जैसे ही हम करेंगे तो हो जाएगा जी ई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल पोजिशन इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई इक्वेटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई आर ई रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल पोजिशन स्क्वायर।
अब इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया, जी एम ई कैंसिल हो गया, बस बाकी रिजल्ट है हमारा, वो रिजल्ट है जी ई डिवाइडेड बाई जी पी इज इक्वल टू, ये चला जाएगा घूम के ऊपर, आर ई एट पोल पोजीशन डिवाइडेड बाई आर ई एट इक्वेटर पोजीशन, और इनके ऊपर मैंने लगा दिया स्क्वायर क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अच्छा अब क्या होगा आगे, देख सकते हैं आप, इक्वेटर इक्वेटर पोल पोल दोनों में रिवर्स रिलेशन है। हमारे पास एक रिजल्ट ऑलरेडी है, ये रहा इक्वेटर के लिए रेडियस, इसे भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर पोजीशन, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल पोजीशन, स्मॉल इज अर्थ कैपिटल पी इज पोल एंड कैपिटल ई इज अर्थ सॉरी इक्वेटर। तो क्योंकि इनवर्स रिलेशन है और ये रिलेशन हमारे पास है, इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं, सिंस यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो रेडियस से इनवर्सली प्रपोर्शनल है। जब ये इनवर्सली प्रपोर्शनल है देन, यहाँ कोई सिंबल नहीं दे रहे हैं, जनरल रिजल्ट है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस से वो भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रपोर्शनल है, हमें पहले से भी पता था ये, लेकिन यहाँ पर हम पोल और इक्वेटर के अकॉर्डिंग हमने निकाला। अब आगे चलते हैं, देन अगेन सिंस एक रिजल्ट हमारे पास है, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल पोजिशन इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ इक्वेटर पोजीशन, उसी रिजल्ट को मैंने ऐसे घुमा के लिखा है, कैसे भी लिख सकते हैं आप। सो क्योंकि उल्टा रिलेशन है देयरफॉर पोल पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो बड़ी हो जाएगी और इक्वेटर पे हो जाएगी छोटी, दोनों ही लोकेशन पे अलग अलग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगी। कितना अलग होगी डिपेंड करता है कि जो दोनों फॉर्मूला में रेडियस है वो कितनी वेरिएशन उन दोनों में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पोल पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाई रहती है और इक्वेटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम रहती है।